हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर हिट करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहेगी। फाइनली द वेट इज ओवर। दिस ईयर्स मोस्ट अवेटेड मूवी हैज बीन रिलीज इन द थिएटर्स, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, स्टार्टिंग रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, नागार्जुन, अमिताभ बच्चन और मौनी राय। और आज हम उसी का रिव्यू करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स जंप टू रिव्यू। चलिए बात करते हैं इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स पर। तो इस मूवी की सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस मूवी का कंसेप्ट, जो रिफ्रेशिंग है और अच्छा है, नया है। क्योंकि ये मूवी, ब्रह्मास्त्र मूवी की जो कहानी है वो इंडियन माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है, जहां पर हमें अस्त्र वस्त्र फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया है इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो देखने में काफ़ी मज़ा आता है, थैंक्स टू गॉड। क्योंकि आजकल जो बॉलीवुड मूवीज़ बन रही है, या तो वो किसी घिसी पिटी रोमांटिक मूवी बन रही है, या तो फिर किसी ना किसी साउथ इंडियन मूवी का हिंदी रीमेक बना रहे हैं, जो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये कहानी बिल्कुल भी फ्रेश है और नई है। जिस वक्त इस मूवी का टीज़र आया था, ट्रेलर आया था, तब बहुत सारे लोगों ने इसके VFX को ट्रोल किया था और उसका कंपैरिजन हॉलीवुड से किया था। ये सच मायने में बहुत जगह पर सही बात भी है, क्योंकि जब भी हम ब्रह्मास्त्र देखने लगते हैं तो VFX काफ़ी अच्छे लेवल के एक्सपेक्टेड थे, लेकिन उतने अच्छे लेवल के VFX और विजुअल इफेक्ट यहाँ हमें देखने नहीं मिलते हैं, जो हमने RRR मूवी में देखे थे, जो बहुत आउटस्टैंडिंग थे। लेकिन ये VFX इतने भी बेकार नहीं है, इतने भी बुरे नहीं है, जो हमें देखने पर अच्छा ना लगे। लेकिन अगर हम इस मूवी को 3D में देखेंगे तो ये VFX हमें काफ़ी हद तक अच्छे भी लगते हैं और काफ़ी मनोरंजक भी लगते हैं। ब्रह्मास्त्र इस मूवी से एक अस्त्रवश इंट्रोड्यूस किया गया है। अस्त्रवश इंट्रोड्यूस करना कोई खाने का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एक विजन लगता है, लेकिन इस मूवी से हमें वो विजन सामने दिखाई देता है, जो काफ़ी डेयर डेविल है। हैट्स ऑफ टू आयन मुखर्जी, जिन्होंने इंडिया में सबसे पहले अस्त्रवश इंट्रोड्यूस किया है और ये फ्रेश कंसेप्ट ब्रह्मास्त्र के जरिए पर्दे पर उतारा है। एक्शन सीन्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उसे अच्छे तरीके से और बनाया जा सकता था, जिस वजह से एक्शन सीन और VFX का जो डेडली कॉम्बिनेशन होता, वो 3D में देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आ सकता था। इस मूवी के सभी गाने अच्छे लगते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर भी हो चुके हैं। थैंक्स टू गॉड कि किसी भी गाने को ज़बरदस्ती मूवी में डाला नहीं गया है, सभी गाने सिचुएशनल लगते हैं और उनकी कोरियोग्राफी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और 3D में उसे देखने में मज़ा भी बहुत आता है। टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेज, तो रणबीर कपूर का परफॉर्मेंस यहाँ पर इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। उनका एक कैरेक्टर शिवा का जो है वो कन्फ्यूजिंग ही लगता है, क्योंकि उनको बहुत सारे सवाल का जवाब चाहिए होता है। आलिया भट्ट इज़ लुकिंग फैबुलस एंड ब्यूटीफुल। अमिताभ बच्चन, जिनको गुरु का कैरेक्टर दिया है, वो उस कैरेक्टर को और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था, लेकिन जितना भी उनके पल्ले रोल मिला है उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन वो इतना भी ज़्यादा इम्प्रेसिव और पावरफुल नहीं लगता। नागार्जुन का जो एक्सटेंडेड कैमियो है एज अ नंदी अस्त्र, वो बहुत ही धमाके लगता है। उनकी एंट्री चाहे या उनके फाइट सीन है, वो बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए, जो देखने में मज़ा आता है। मौनी राय को हम सिर्फ यहाँ पर एक विलन के रूप में देखते हैं, लेकिन वो इतना भी पावरफुल विलन नहीं लगता है, हमें बार बार नागिन इस कैरेक्टर की याद दिलाती है। इस मूवी में एक सरप्राइजिंग कैमियो भी है, आप सभी को उसका पता है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा। लेकिन जब भी ये कैमियो आता है, यानी मूवी के स्टार्टिंग में ही इस कैमियो को दिखा है, लेकिन वो जब भी आता है यार, पर्दे पर आग लग जाती है और कहानी में ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है, जो बहुत ही धमाकेदार होगा और आप उस पर सीटियां बजाने और तालियां बजाने पर मजबूर ज़रूर हो जाओगे। टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस मूवी, तो इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस मूवी की स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट पर अगर कुछ और ज़्यादा काम किया होता और ज़्यादा ध्यान दिया होता, तो ये मूवी का लेवल एक अलग लेवल पर आ जाता, जिसे हम हॉलीवुड से कंपेयर करते हैं, वो हॉलीवुड की टक्कर की साबित हो पाती। एज वी नो कि इस मूवी में अस्त्रवश इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस करने के बावजूद भी इस अस्त्रवश को उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, जो काफ़ी निराशाजनक लगता है। बॉलीवुड अभी तक अपने रोमांटिक जोन से बाहर ही नहीं आया है, यही चीज़ हमें ब्रह्मास्त्र के बारे में दिखाई पड़ती है। यहाँ पर रणबीर कपूर और आलिया की जो रोमांटिक केमिस्ट्री है, जो उनकी लव स्टोरी है, वो अननेसेसरीली खींची है, जो देखने में कुछ कुछ जगह पर तो अच्छी तो लगती है, लेकिन बार 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 वही देखने से ये हमें बोर लगने लगती है। अगर हम इस मूवी को बारीकी से देखें तो इस कहानी में बहुत सारे लूपहोल्स हैं, अगर हम उनसे नज़रअंदाज करते हैं तो ये मूवी आपको कॉन्स्टेंटली एंगेज करके रखेगी, एंगेजमेंट आपका बनाए रखेगी, जिससे आपकी क्यूरियोसिटी हमेशा बढ़ती रहेगी कि आगे क्या होने वाला है और आगे क्या हो सकता है।
बात करें डायरेक्शन के बारे में तो अयान मुखर्जी हैज डन अ डिसेंट जॉब, लेकिन अगर वो स्क्रिप्ट पर और ज़्यादा मेहनत करते और ज़्यादा ध्यान देते तो ये ब्रह्मास्त्र मूवी का जो लेवल है बहुत ही ऊपर आ जाता। ब्रह्मास्त्र एक ऐसी मूवी है जिसे हम विदाउट हॉलीवुड से कंपेयर किए इन्जॉय कर सकते हैं। एक अपना खुद का अस्त्र बस हमारे सामने रखा है जो हमें उनसे हॉलीवुड से कंपेयर ना करे तो बेहतर होगा और हम इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हैं। ऑल इन ऑल ब्रह्मास्त्र इज नॉट अ ग्रेट मूवी बट इट्स अ गुड मूवी टू वॉच विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स विथ अ फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग कंटेंट। मैं देता हूँ 3.5 स्टार की रेटिंग, तो जाइए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये मूवी देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए कि ये मूवी आपको कैसे लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।